समाप्त होने को है। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी आने वाले हैं और पीएम के काशी दौरे को लेकर तैयारियां बहुत खास हैं। एक ओर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा, वहीं दूसरी ओर खिड़किया घाट का भी नए तरीके से उसका विकास किया गया है। वहां टूरिस्ट फैसिलिटी का भी शुभारंभ आज प्रधानमंत्री करेंगे। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने वाराणसी के लोगों से बातचीत की है, उनका जो कुछ कहना है आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जहां काशी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का सौगात देंगे, लोकार्पण करेंगे, तो वहीं पर ये जो खिड़किया घाट है, जो केशव घाट है सबसे आखिरी घाट, उससे पहले जो खिड़किया घाट है, देखिए इसे भी आज लोकार्पित करेंगे प्रधानमंत्री। और जिस तरीके से ये पूरा घाट सज धज कर तैयार है, इस पूरे घाट को अगर हम कहें तो इसका रेनोवेशन किया गया, इसे पूरी तरह से विकसित किया गया है। और अब आप देखिए किस तरीके से इस घाट की जो भव्यता है वो देखते बनती है। तकरीबन 11 एकड़ में तैयार किया गया है, 35 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है। विशेष तौर की जो वॉल बनाई गई है, आप देखिए जो बोट जो नाव चलती है गंगा में, वो जो CNG, अब सारी बोट CNG होंगी, उसके लिए ये CNG पंप है। साथ ही साथ अगर जो लोग CNG गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो सड़क के रास्ते से आएंगे और वो यहाँ पर CNG भरा सकेंगे। वो स्टेशन भी यहीं बनाया गया, इसका भी आज शुभारंभ होगा। जो वाराणसी के लोग हैं, काशी के लोग हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले और जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यही कहा कि ये तो जो घाट था वो बिल्कुल कच्चा घाट था और अब इसकी सूरत बदल गई है। आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल कच्चा घाट था पहले? हाँ, बहुत कच्चा घाट, इधर कोई आता नहीं था, यहाँ लोग शौच करने आते थे, इस तरह का घाट था। हाँ, आज देखिए इस घाट, ये तो नज़ारा ही बदल गया। इसमें तो ऐसा लगता है, भोर में आने में तो ऐसा लगता है स्वर्ग में हम लोग हैं। देखिए जी, आप भी बता रहे थे कि बहुत, अगर हम कहें तो ऐसा घाट था, यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था और इतनी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, अविस्मरणीय, ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और ये हम तो क्या काशी में क्या, पूरा UP क्या, आप ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैडम आप भी वॉक करती होंगी रोज, पहले जब ये घाट था और आज जब आपने इस घाट को देखा है? बहुत अच्छा है, अब लग रहा है यहाँ देख के, बहुत सुंदर घाट है। और आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का भी लोकार्पण होगा, तो बदलती हुई काशी है ये जी। हम लोग विश्वनाथ जी दर्शन करके और वहाँ से लोग पैदल डेली यहाँ पे आते हैं, और इतना अच्छा घाट, मतलब पहले इतना सुविधा नहीं था कि हम लोग वहाँ डेली दर्शन करते हैं सुबह 4 बजे और उसके बाद मॉर्निंग वॉक करते हैं यहाँ पे आते हैं। ये सुविधा नहीं थी और अब ये पूरा, और ये सीधे चला जाएगा आदि केशव घाट, जहाँ गंगा और रमुना का मिलन हुआ है, ये वहाँ तक जाएगा। ये बदल दिया। हम लोग प्रतिदिन काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोग सकरी गलियों जैसे दर्शन करने जाते थे, आज ऐसा उसको बना दिया गया जैसे लगता है राजा महाराजाओं का कोई महल है। देखिए बिल्कुल ये बदली हुई काशी है, ये बदला हुआ खिड़किया घाट है। जो बात यहाँ के लोगों ने कही कि यहाँ पहले आप आ नहीं सकते थे, पूरा कच्चा घाट था, शाम 6 बजे के बाद कोई आ नहीं सकता था, और आज आप जरा तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से ये जो पूरा घाट है उसे बिल्कुल बदल दिया गया है। खिड़किया घाट का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदल दिया गया। और जो कहना मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, वाराणसी।